खबर है यूपी के बताए उसे। चंडीगढ़ से खुद को हिंदू कहकर लाया युवती पर धर्म परिवर्तन करने का दवा। आए दिन प्यार मोहब्बत के किस्से सुर्खियों में आते हैं, लेकिन जब प्यार में ऐसा धोखा मिले तो जिंदगी की सारी खुशियां तबाह हो जाती हैं और महिला को कानून का ही सहारा रह जाता है। ऐसा ही एक मामला यूपी के बदायूं जनपद के बिसौली कोतवाली क्षेत्र से सामने आया है। देखिए पूरी खबर। बिसौली कोतवाली क्षेत्र का एक युवक चंडीगढ़ में काम करता था। जिस जगह काम करता था उसी कॉल सेंटर पर एक युवती से प्यार हो गया। दोनों एक रूम में रहने लगे और शारीरिक संबंध बन गए। युवती की एक लड़की पैदा हुई। बाद में जब युवती को युवक अपने घर बिसौली लाया तो युवती को पता चला कि वह लड़का हिंदू नहीं मुसलमान है और 3 माह पूर्व से परिजन उस पर मुस्लिम रीति रिवाज से रहने का दबाव बनाने लगे, प्रताड़ित करने लगे। फिलहाल युवती से उसकी बच्ची छीन ली गई और युवती को घर से निकाल दिया गया। युवती ने पुलिस को युवक सुहेल पिता नियामू निवासी मोहल्ला कटरा कस्बा बिसौली व युवक की माँ तथा दो नाबालिग भाई बहन पर तहरीर देकर न्याय की मांग की है। बदायूं एसपी देहात के सरोज ने बताया युवती की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब देखिए बदायूं से संवाददाता नाजिर खान की ब्यूरो रिपोर्ट। मैं चंडीगढ़ सात फेस थाना थाना। मेरे साथ एक लड़का था सोहेल नाम का, मतलब मुझे फिजिकल रिलेशन वगैरह था, मतलब बच्चा प्रेगनेंसी होने वाली थी, डिलीवरी के बाद बच्चा भी हो गया। तो मुझे कह रहे मैं गांव में जाकर ऐसा शादी करूंगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे बिसौली ले आया है, यहाँ पे आके मुझे पता लगा लड़का मुसलमान है और मुझे दलाफी से लाकर यहाँ पे लेके आया और रीति रिवाज से अपना शादी करूंगा, यहाँ मुझे अपने घर पे छोड़ के चला गया है। यहाँ पे तुमने कुछ नहीं बताया था भैया मुझे, भी नहीं बताया मुझे। मैं यही बोला था मैं हिंदू हूँ, यहाँ पे आके मुझे इसके घर पे पता लगा लड़का मुसलमान है। थाने में कंप्लेंट करवाने आई, मेरे सासू से मुझे मारते पीटते हैं, मैं नमान हूँ, सब कुछ खाने पीने के लिए कह रहे हैं, मेरा बच्चा भी नहीं, इधर 10 महीने की मेरी लड़की है। सोनिया पुत्री रामदत्त निवासी पंजाब फरीदपुर ने आज थाना बिसौली में एक प्रार्थना पत्र दिया। उसमें धर्म परिवर्तन संबंधी सोहेल और उसके परिवार पर आरोप लगाया। सोहेल के खिलाफ मुकदमा प्रसंख्या 436/2024 धारा 303/504/506 भादवी 376 भादवी व 3/5/2 उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत करके नामजद अभियुक्तों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है।